नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी और खास खबरें। लोकसभा चुनाव के बाद आज अमित शाह का पहला मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है। आज गृह मंत्री 51 लाख पौधा रोपण अभियान में शामिल होने के अलावा पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में 1500 से अधिक प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्णय लेने के बाद किसान संगठन आज शंभू व खनौरी बॉर्डरों के किसानों के साथ मिलकर मीटिंग करते हुए आगामी रणनीति तैयार करेंगे। धरना समितियों के किसानों के साथ मिलकर संयुक्त बैठक करेंगे और आंदोलन के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। इस दौरान ट्रैक्टर यूनियन प्रधान राजेंद्र डागर, रोशन लाल गुडाना, कटार सिंह व ओम आदि मौजूद रहेंगे। मोहन लाल बडोली आज रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। बता दें कि भाजपा मंगल कमल कार्यालय में शुक्रवार को संगठन मंत्री फणेन्द्र नाथ शर्मा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों में अहम बैठक हुई, जिसमें 14 जुलाई को नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के विधिवत रूप से पदभार ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श हुआ। सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आज सीतामढ़ी और शिवहर जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर के जीडी श्रेणी के लिए शारीरिक दक्षता की प्रक्रिया से गुजरेंगे। वहीं शिवहर सीतामढ़ी के सैकड़ों अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। ये प्रक्रिया मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान में आयोजित होगी। मध्य प्रदेश के इटारसी में आज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। अध्यक्ष पद के लिए अशोक शर्मा, रमेश राजपूत और संजय त्रिपाठी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव का आज प्रसार का अंतिम दिन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन आज देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, यूपीएससी की ओर से उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा के आह्वान पर सरकार द्वारा 262 मार्गों पर 3658 प्राइवेट बसों पर परमिट देने के विरोध में रोडवेज के कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसके चलते आज रोडवेज कर्मचारी आज परिवहन मंत्री आवास अम्बाला शहर में घेराव करेंगे। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला है। बता दें कि इसका आयोजन अयोध्या के होटल रॉयल हेरिटेज में किया जाएगा। वहीं सम्मेलन में 400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इसके बाद कल यानी 15 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर कटिहार के बीच आज रेलवे परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। बता दें कि इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने अधिसूचना जारी की है। ये ट्रेन 13 जुलाई यानी शनिवार और 14 जुलाई यानी आज चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1850 में मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। आज ही के दिन सन 1902 में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्र भानु गुप्त का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1927 में हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई थी। आज ही के दिन 1969 में जयपुर में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की टक्कर में 85 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन सन 2008 में भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।